गुरुद्वारा साहब दे विच जिहड़ी हैगी संगतां कट्ठियां होईयां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर सुखिंदर सिंह बब्बर भी इस इलाके तों ने जिहड़े ओह वी मौजूद होए और उहनां दे सारिआं दे नाल सारिआं दे इकट्ठ दे विच तुहाडे सामने तुसीं देख सकदे हो संगतां दे विच गुरुद्वारा साहब दे प्रधान साहब नूं बुलाया गया और प्रधान साहब दे नाल आपां माड़ी जी गल्लबात भी करांगे कि वह जिहड़ा हैगा अज इत्थे इस गल दे नाल संगतां दे नाल आपस च विचार भी कर रहे आ ते सारे संगतां दे नाल सहमत हो के उन्होंने अपनी इस गलती नूं मनदे होए अगे तो ना होवे इस गल दी उन्होंने जिम्मेवारी भी लई है। और मैं चाहवांगा कि दो मिनट जिहड़ा मैं प्रधान साहब दे नाल एक वारी गलबात भी करना चाहवांगा जिहड़े इस गुरद्वारा साहब दे प्रधान ने उन्हां तों असीं जुड़दे हाँ जी गुरफतेह दी सांझ करदे हां जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी दा नाम जी? मैं कुलवंत सिंह। मुख सेवादार नहीं इन्हू छड़ दे मैं उदां गल कर रहा जी इस गुरुद्वारा साहब दे प्रधान साहब हो तुसीं जी किन्ने चिर तों प्रधान? चार साल हो गए जी। चार साल हो गए तो की जो है प्रोग्राम जो बुक कराया गया सीगा बारे की कहना चाहोगे क्योंकि रजिस्टर दे विच तुसीं जो कह रहे हो गल्लां मेल नहीं खांदी तुसीं क्या कल्ले लंगर पर उहदे विच कीर्तन वगैरह बड़ा कुछ लिखिया? देखो जी जो भी अज गलती हुई है ये स्टाफ की भी गलती है मेरी भी गलती है सब की गलती है तो यह कहा तो इन्होंने सानू वर्बली तो यही कहा कि असी लंगर करना है तो वो बाद लिखा भी दिता इन्होंने असी लिख दिता चलो कोई नहीं जिदा समाज में असी एक दूए ना विचरते हैं सामने रेंदे हैं उस करके सारे ने कहा भी कर लो तो वह कर बाद उन्होंने अपना जोड़ा सिस्टम सेगा वो चेंज कर दिता दूसरी तरह लग पे कर जो कि उस तो मैं भी खिलाफ है तो मेरा स्टाफ भी खिलाफ है। नहीं पर स्टाफ पर तुसी क्या कि स्टाफ की गलती हुई बाद तुसी क्या कि फिर मेरी गलती हुई जब तुसी बुक कर रहे सी गल्लां क्लीयर नहीं सी। देखो जे वो लंगर कर रहे सीगे जे भंडारा करना सी उन्होंने गुरुद्वारे दे विच लंगर हाल दे तौर ते यूज़ करना सीगा उहदे विच कोई गलत नहीं हैगा कोई गुरेज नहीं है जे मैं गलत कह रहा कि कोई गलत नहीं लंगर सिर्फ जे लंगर छकना तो लंगर वास्ते कर सकते पर है कि जिस तरीके सारा वो कोई एक मिनट के सैटअप लग नहीं गया गुरुद्वारे का गेट तो बूहा तो किसी ने खोलिया ही होएगा जो बूहा खोलिया होएगा सारा समान लग्या होएगा उन्होंने सजाया गया समान लग्या होएगा और लाउड स्पीकर वड्डे वड्डे लाउड स्पीकर तो कोई है तो है नहीं कि अंदर कोई छुप के हो रहा है लाउड स्पीकर सारा स्पीकर लग गया सब कुछ हो रहा है ना कि बीबी ने थले चुन्नी लई हुई है कि जोड़े भी थले लंगर हाल च पे आ गुरु की मर्यादा तो यही हैगी ना कि भी सारे सिर ढक के आन जोड़े उत्थे ना हो लंगर हाल च सब कुछ हो रहा है। ये सारिया जड़िया गलतियां हैं स्टाफ दी भी है मेरी भी है सब दी है मैं तो यही कहूंगा स्टाफ दे ऊपर ठीक रहा छोड़ पने आ जा रहे नहीं नहीं जिम्मेवारी तो तुहानू चुकनी पड़ेगी चलो जिम्मेवारी मेरी है मैं मेरा मेरी गलती है चार साल तो यह पहली गलती है जो इत्थे दियां मैं गलतियां सुधारियां जे असीं उहदे ते लिस्ट लैके चलीए तो मेरे ख्याल है भी एक दिहाड़ी लग जाएगी लिस्ट बनाने नूं कि किन्नियां गलतियां मैं सुधारियां ये एक गलती हुई है वह भी उन्होंने सानू मिसगाइड करिया कि असी आ करना है होर कुछ नहीं करांगे हुण इंपलाइज नहीं है कोई सानू वो नहीं हैगी दो तीन घंटे दो घंटे सवेरे लाँदे दो घंटे शाम को लाँदे उस बाद क्या होंगे स्टाफ की भी थोड़ी जी जिम्मेवारी बनती है तो बाकी जिन्हें होर साढ़े मैंबर है एक्टिव मैंबर है उन्होंने सब की जिम्मेवारी बनती है किसी कल हो रहा स्टाफ ने तुम इनफॉर्म नहीं किया दुनिया तक खबर पहुँच गई असी आ गए संगत इकट्ठी हो गई गुरुद्वारे के प्रधान नहीं पता लगा कि मैं भी थोड़े नाल मेरी भी गलबात हुई है तो हूँ असी तो यही कह भी कितने माहौल ना खराब होवे जे असी तू तू मैं करिए इत मैं उदे बचाण के खतर करके तुम तो कुछ कराया नहीं कह रहे हो कि मैं बंद कर संगत को मोटे जो अपने मोटे से जिम्मेवारी लैके उन्होंने जोड़ा है ना हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करनी पी तुम लगता इतने तो पूरा झगड़ा हो सकता है बड़ा कुछ हो सकता सू वेला सामना चाहिए जिम्मेवारी देखो जी मैं सारी चीज़ों की माफ़ी मंगना कि यह सारिया गलतियां हो गई तो अगे तो यह गलती नहीं होएगी तो जो भी संगत मैं कोई फतवा लाने चाहती है जो कोई सज़ा देनी चाहती है मैं उन्होंने सिर मत्थे गुरु की सज़ा नभाव संगत जी ए तुम दस दी है कि कई बार यह जी घटनावान हो जाए बाद चो फिर माहौल खराब होंगे दो भाईचारे के आपस के फुट पी हैगी है मिसकनसैप्शनस क्रिएट होंगी है मिसअंडरसटैंडिंग क्रिएट होंगी है और यह सब चीज़ा ना हो जो पहले प्रकोशन जो पहले ही क्लीयर कर दिता जाए तो यदि अवेयरनैस तुम जरूर अगे भी है इनू शेयर करके दो 14 बला गीता कला विखे भी कुछ साल पहले दो तीन साल पहले यही घटना हुई सगिया तो ही सी घटना का तुम पता लगा कि होया 14 बला गीता कलोनी विखे इन्नी गल वायरल हुई सी
ਤੁਸੀਂ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਂਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲੈਣ ਇਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਸਟ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਗਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ 16/4/2022 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੌਤਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੈਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
कहते कि सेवा कोई गुरुद्वारे की नहीं कर सकते, जो उन्हों की कंप्लीट सेवा हो जाती है दैन उस तो बाद जी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बाणी जे गुरु साहब कहते ने जो शरण आए तो सिकंठ लहाए लाए, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जलो इन्होंने माफ़ी जी हैगी है मन ली है, पर कितना कितने जितों असी सारी ग्राउंड लैवल पर आप जी सर्च की है कितना कितने उन्होंने वालों भी मिसगाइड किया गया, नो डाउट नहीं आप कह सकते कि उन्होंने क्या असं कीर्तन करने, पर इन्होंने लिखा भी है यह गल ए भी इन्होंने भी लिखी है या इन्होंने ध्यान पढ़ी नहीं है जो भी है ठीक है, उस पासों भी गलती है इस पासों भी गलती है, पर इन्हों पर आप ज़्यादा मनांगे क्योंकि इन्होंने उस तो बाद इन्हें कवरअप नहीं किया ठीक है, आके देखा नहीं सेवादारा की गलती ठीक है, सेवादारा ने भी देखा, और आप पूरी कमेटी यह बेनती करना चाहते इतने सीसीटीवी कैमरे के कैमरे नहीं चलते पे, क्योंकि कल में जो कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेद भी होंगी है अजक चलता पा माहौल, तो उस प्रबंध में भी तुम सुधारो ठीक है, तो उस तो बाद जी हूँ गुरु साहब अगे आप अरदास करांगे, पांच सिंह साहबान अरदास करेंगे संगति रूप से अरदास करांगे, बकायदा थले जिहड़ा हैगा असी शांतमय तरीके जी प्रोग्राम चलता पाया असी उन्होंने बेनती करके बाहर कटता है, तो हूँ उन्होंने का प्रोग्राम बाहर चलता पे बहरों जो मर्जी कर सू तो कोई मतलब नहीं है ठीक है, पर गुरु का जिथे मर्यादा जी भग हुई सी गुरु साहब की कृपा न संगत के सहयोग के नाल जी हैगी सारा चढ़ती कला हो गया सारा सिस्टम, तो हूँ गुरु साहब अगर अरदास करेंगे जी इन्नी को बेनती है प्रवान करनी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारे साहब के जी बेद भी हुई सी उदों पंज सिंघां वल्लों जी सेवावां कमेटी नूं लाई गई है 21 दिन वास्ते जपजी साहब के पाठ ते जिहड़े हैगे झाड़ू की सेवा 1 घंटे दे लई ठीक है जी आ करनगे, उदों तक इन्हां नूं सेवा मुक्त किया जाता है, जब तक यह सेवा कंप्लीट हो जाएगी उस तो बाद अरदास उपरंत देग का प्रसाद करके संगत रूप से संगत को बुला के माफ़ी मंग के ते अपनी जिहड़ी दूसरी सेवावां ने वो पूरी कर सकते हैं, जिहड़ा लिखती रूप से जिहड़ा इन्होंने अपना माफ़ी जिहड़ी हैगी है मंगी है जिहड़ी है लिखती रूप से भी इन्होंने जिहड़ी हैगी है माफ़ी मंगी हैगी है, बकायदा इन्हां दे साइन ने मौजूदा कमेटी के साइन ने, तो इन्हां दी इस्तरी सत्संग सभा दे जिहड़े हैगे ने भैन जी हैगे ने हणा प्रधान ने उन्होंने भी बकायदा आप साइन किए ने, पूरी कमेटी को सज़ा लगाई गई है पंजा सिंघा दे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अगे असी अरदास की है सतगुरु सच्चे पातशाह अगे तो इन्हों समत बख्शन बल बख्शन कि चढ़दी कला दे विच करन, ते इन्हां नू एक बेनती हैगी कि एक तो आप बेनती है की कि सीसीटीवी कैमरे जिहड़े ने वह बिल्कुल सही कराए जाण, आपां इन्हां कोलों बकायदा टाइम लवेंगे तो साडे च एक सिंह आके सीसीटीवी कैमरा जिहड़ा हैगा देखेगा आके कि वह सीसीटीवी कैमरे चलते पे ने कि नहीं चलते पे सेवा आप सिंह जिहड़े ने उहदे विच नज़र रखांगे, उस तो बाद जिहड़ी हैगी है सेवा जिहड़ी सीसीटीवी कैमरे की एक सिख रहत मर्यादा दे इत्थे मैनू किथे किताब चा नज़र नहीं आया, जिहड़ी आपां सिख मर्यादा जिहड़ी हैगी आ उह इत्थे रख के मैं इन्हां नूं सारिआं नूं बेनती करांगा कि सिख मर्यादा एक बारी जरूर पढ़न, पूरी कमेटी का फर्ज बनता कि जिहड़ी अकाल तख्त साहिबान तो जारी की गई सिख रहत मर्यादा ठीक है, वो इस्त्री सत्संग वाले भी एक बार पूरी 5 या 10 मिनट लगते हैं 50 पेज की है छोटी जी वो सारी एक बार पढ़न, तो उस दे अकॉर्डिंग ही गुरुद्वारे का प्रबंध चला ठीक है जी, इन्नी को बेनती है प्रवान करनी है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।